वेलकम डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और चाइना के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। ये एग्रीमेंट 24 नवंबर 2006 को साइन किया गया। दोनों ममालिक के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये साइन किया, जबकि चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वर सा द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट था, जबकि ये फैसला किया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज विल बी निगोशिएटेड इन द ईयर 2007। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जो जनवरी 2006 में साइन किया गया था, उसको इस एग्रीमेंट का एक पार्ट बनाया गया। ये एक एग्रीमेंट है और इसके तीन एनेक्चर है। एग्रीमेंट में कुल 12 चैप्टर है और इसमें 83 आर्टिकल है, जबकि एनेक्चर 1, 2, 3 को हम अलग अलग करके देखते हैं। एनेक्चर 1 उन अशिया की फहरिस्त है चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, जिन पर चाइना और पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के तहत टैरिफ कंसेशन चाहते हैं। चाइना की अपनी एक लिस्ट है और पाकिस्तान की अपनी एक लिस्ट है, जबकि ये एनेक्चर 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। फेज 1 का जो टोटल पीरियड है वो 5 ईयर है और इसमें ये बताया गया है कि दोनों ममालिक 5 ईयर के दौरान टैरिफ रिडक्शन मोडेलिटीज वर्कआउट करेंगे इन म्यूचुअल कंसल्टेशन, जबकि फेज 2 इसके बाद के अरसा पर मुहित है, यानी 5 ईयर के बाद तकरीबन 90% ऑफ द ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज पर दोनों ममालिक एक दूसरे को टैरिफ कंसेशन देंगे। या तो टैरिफ को ऑल टुगेदर एलिमिनेट किया जाएगा या इसमें कमी की जाएगी। जबकि एनेक्सचर 2 को अगर हम देखते हैं तो इट हैज बीन इश्यूड इन परसुएंस टू आर्टिकल 23 ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट रिलेट्स टू द रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसमें यह बताया गया है कि दोनों ममालिक अपनी अपनी अथॉरिटीज नोटिफाई करेंगे, जो ये सर्टिफाई करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुई है इनके ममालिक में और कौन सी प्रोडक्ट ओरिजिनेट नहीं हुई है। जब दोनों ममालिक ये अथॉरिटीज नोटिफाई करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटीमेट भी करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाएगा टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन दिस टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री, इसमें ये बताया गया है। आगे हम इसको डिटेल से फिर समझेंगे कि वो प्रोडक्ट जो होली ऑब्टेन प्रोडक्ट हो एदर इन चाइना और इन पाकिस्तान, तो उनको कंसिडर किया जाएगा टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन दिस टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। इसके अलावा वो प्रोडक्ट जो इन दोनों ममालिक में से किसी मुल्क में ओरिजिनेट होते हो और फिर उसकी वैल्यू एडिशन होती है अप टू 40% ऑफ इट्स टोटल फाइनल वैल्यू, तो उन प्रोडक्ट को भी कंसिडर किया जाएगा इस प्रोडक्ट टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन दिस टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। सफिशियंटली ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट को भी कंसिडर किया जाता है इस प्रोडक्ट टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन दीज टू कंट्री, और ऐसे प्रोडक्ट जो इन दोनों ममालिक में किसी में ओरिजिनेट होते हैं तो वो एलिजिबल होंगे फॉर टैरिफ कंसेशन अंडर दिस एग्रीमेंट। अब हम एनेक्चर 3 को देखते हैं। एनेक्चर 3 हैज बीन इश्यूड इन परसुएंस टू आर्टिकल 63 ऑफ द एग्रीमेंट और इट रिलेट्स टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इस एग्रीमेंट में ये बताया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट अराइज होता है आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट और एनी अदर एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्री, तो उसको सेटल किया जाएगा म्यूचुअल कंसल्टेशन से। अगर म्यूचुअल कंसल्टेशन से वो रिजॉल्व नहीं होता वो डिस्प्यूट, तो देन इट विल बी रेफर फॉर आर्बिट्रेशन, और इसके लिए एक आर्बिट्रेशन पैनल की कंपोजिशन दी गई है। आर्बिट्रेशन पैनल 3 आर्बिट्रेटर पर मुश्तमिल होगा। एक आर्बिट्रेटर चाइनीज गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, एक पाकिस्तान अपॉइंट करेगा, और जो तीसरा आर्बिट्रेटर होगा तो वो दोनों करेंगे इन म्यूचुअल कंसल्टेशन। ताहम वो ना इन दोनों ममालिक में से किसी मुल्क का नेशनल होगा ना सिटीजन होगा, और ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस आर्बिट्रेशन पैनल। और ये आर्बिट्रेशन पैनल जब अपनी फाइंडिंग्स देगी, ठीक है, तो इसके लिए भी आगे तरीकेकार बताया गया है कि ये अपनी फाइंडिंग्स किस तरह देंगे, तो दोस फाइंडिंग्स विल बी फाइनल और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, अगली वीडियो में हम फिर इस ट्रेड एग्रीमेंट को डिटेल से देखेंगे। ये इसके ब्रॉडर स्केलेटन है, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।